अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज अपनी फीमेल रैबिट के बेबी देखने आए हैं हम, कितने बड़े हुए हैं उसके बेबी। और सुबह सुबह जब इसको खोला है तो ये बाहर आके ये मक्की वगैरह खा रही है। तो माशाल्लाह से कितनी क्यूट है। और तीन बेबी बिल्कुल इस जैसे ही हैं, और एक जो है वो अपने बाप पे यानी मेल पे गया है। तो ये अभी मक्की वगैरह खा रही है, और इसको ये पत्ते डाले हैं जो नहीं खा रही है, क्योंकि अब जो घास वगैरह होता है वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, सूखा घास ये खाती नहीं है। तो इसको भेजते हैं अपने बच्चों के पास। तो केज की सफाई भी करनी है आज, तो पहले हम बच्चों को देख लेते हैं। दो तो बकेट में ही है, मुझे लगता है एक कहीं बाहर निकला हुआ है। और तो बाहर तो आपको पता ही है, नीचे कुछ मिट्टी वगैरह नहीं है, तो लेंटर या तो वहाँ पे इसको ठंड काफ़ी लग सकती थी, पता नहीं अब है कहीं पे नहीं। और ये माशाल्लाह से वो खुद ही बाहर आ गया है, और कितना क्यूट सा है, और वापस घुस गया है अंदर। चलो आप इसको छोड़ते हैं जैसे रहना चाहते हैं। तो एक अच्छा सबको बाहर निकाल के देखते हैं फीमेल क्या करती है, फीमेल का रिएक्शन देखते हैं वो क्या करती है। तो पहले हम सबको बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो माशाल्लाह से सबको बाहर निकाल दिया है, और बिल्कुल जैसे चूहे होते हैं उनकी तरह लग रहे हैं, लेकिन अब ये चलने फिरने के लायक हो गए हैं। तो अब इनको थोड़ी देर बाहर भी हम निकाला करेंगे, ताकि धूप छूप ले सकें और फिर जल्दी से बड़े हो जाएं। और जब बाहर निकालेंगे तो फीमेल के साथ ये खाना पीना भी सीख जाएंगे। तो अभी देखिए, तो फीमेल को इनके पास लाते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। फीमेल तो अभी मक्की वगैरह खाने में मसरूफ़ है, और अब देखिए माशाल्लाह से कितने क्यूट लग रहे हैं पूरी फैमिली। तो आप भाइयों ने मुझे कमेंट में बताना है कि हम मेल को दोबारा से इस केज में शिफ्ट करें कि अभी नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि मेल बच्चों को मार देते हैं। तो अब देखिए बच्चे मतलब बड़े हो चुके हैं कि नहीं, कि अभी कुछ दिन और वेट करें। मैं तो सोच रहा हूँ अब बेबी चलने फिरने के लायक हो गए हैं, तो अब हम मेल रैबिट को इसके पास दोबारा से रख दें। तो बाकी आप भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि मेल को दोबारा हम फीमेल के पास शिफ्ट करें कि अभी नहीं। तो बाकी रैबिट फैमिली कितनी क्यूट लग रही है अभी सारे एक साथ। और ये जो ब्लैक वाला है ये तो अपने बाप पे गया, बाकी तो तीनों बेबी हैं वो अपनी माँ पे। तो अब इनको हम वापस इनके नेस्ट में छोड़ देते हैं, ताकि इनको ठंड वगैरह ना लगे। जब धूप आएगी तब हम इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालेंगे। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने छोटे क्यूट बेबी देखे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे ये देख के, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।